देवरिया जनपद में आज का दिन किसानों के लिए काफी बुरा रहा। आज क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर लगी आग से सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। रुद्रपुर, बरहज एवं देवरिया में लगी आग से किसानों की फसल जलकर राख हो गई। किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई है। अब किसान फसल काटने वाला ही था कि अचानक प्रकृति उसके साथ दुर्व्यवहार कर रही है, जिससे किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। जैसे जैसे मौसम की पारा बढ़ती जा रही है, किसानों की भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस महंगाई के दौर में किसानों को लगातार देवरिया में झटका मिला। आपको बता दें कि देवरिया जनपद के रुद्रपुर क्षेत्र में गेहूं की खेत में लगी भीषण आग, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि 100 एकड़ से ज्यादा फसल जलकर राख हो चुकी है। यहाँ हर साल ऐसे गेहूँ चलते हैं और ये प्रशासन जो है 3 घंटे 4 घंटे 2 घंटे लेट हमेशा आती है। ये इस क्षेत्र के बीच में भी थाना है, कोना है, लेकिन पता नहीं इनको, पता नहीं कि शिक्षित है कि क्या है। हम तो समझ ही नहीं पाते हैं कि पढ़ लिख कर आए कि कैसे आए। कि हमेशा जानते हैं कि जब गेहूँ फसल पक जाता है तो फायर ब्रिगेड के यहाँ जरूरी रहता है, लेकिन पता नहीं ये सब क्या करते हैं। जब आग लग जाती है तब उसके बाद गांव की जनता और लोगों के भी द्वारा बुझाने के बाद ये सब आते हैं। पता नहीं, हम मैं इस यहाँ के प्रशासन से यही मांग करूंगा कि यहाँ जल्द से जल्द फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर साल और हर समय रहे। कितना नुकसान हुआ है? मेरा नाम लटन खाना, मैं ग्राम सभा इसपुरा का निवासी हूँ। मेरा कम से कम 10 एकड़ के आसपास मेरा नुकसान हुआ, मेरा पर्सनली 10 एकड़ नुकसान हुआ। बाकी जनता को लेकर कम से कम यहाँ आम जनता का कितना? आम जनता का हम लगभग अनुमान के मुताबिक, अभी जो सर्वे हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, अनुमान के मुताबिक कम से कम 1000 एकड़ फसल का नुकसान हुई है, और जिसमें व्यक्तिगत मेरा जो है कम से कम 10 एकड़ नुकसान हुआ है। सारे किसानों का मतलब बुरा हाल है? सारे किसान परेशान है, इसमें बेहाल है एकदम। प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से हमारी ये मांग है कि सबकी जो है छत की आपूर्ति की जाए इसमें, और प्रशासन मौके पर आकर सर्वे करें। प्रशासन से कितना कुछ है, आग लगा था? प्रशासन से बिल्कुल कुछ नहीं है। प्रशासन को हम टेलीफोन करते रह गए, हम लोग परेशान हो गए। सबका नंबर मेरे पास इस मोबाइल में है, DM, SP, SDM, DM सब लोगों का है, सबके नंबर हमने ट्राई किया है, कोई रिसीव नहीं है। जो रिसीव किया है वो सुबह की आग लगी हुई है, और करीब दोपहर बाद जो है प्रशासन यहाँ पहुँचा है। मुख्यालय से यहाँ की दूरी 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में प्रशासन को 4 घंटे का समय लगा यहाँ से। तो यहाँ की आग कैसे बुझी? यहाँ की जनता मिलकर के आग बुझाई है। प्रशासन का कोई सहयोग नहीं था इसमें, प्रशासन आखिरी में पहुंची है यहाँ पे।